एंड आई एम वास्तु कंसल्टेंट एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। फाइन गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यस प्रकाश सर, आप आपका इंट्रोडक्शन दोगे? हेलो, नीलम मैम, यस मेरा नाम प्रकाश शिवानी, यस मैं सूरत से हूँ। मैं लास्ट 3 मंथ से मैम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। शेयर मार्केट और वास्तु के लिए काफी कंसल्टिंग किया है मैंने, लेकिन थोड़े बहुत डिफिक्ट होते हैं लाइफ में, जिसका आपको ज्यादा रेडीमिक्स की जरूरत होती है। वो रेडीमिक्स के लिए अभी मैं मैम से साथ कंसल्ट कर रहा हूँ, इसी के लिए। नीलम मैम। मैं नासिक से हूँ, नीलम पवार, और मैम से मैं अभी 1.5 साल से मैम से मिली हूँ। स्टॉक मार्केट का भी क्लास किया है, थोड़े से फैमिली इश्यूज है एंड और कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा जा रहा है मेरा। मतलब बहुत इंटरेस्ट है तो हो नहीं रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें, तो सोचा कि रेमेडीज से कुछ तो होगा, और मैम पर तो पूरा भरोसा है ही। फाइन मैम, चलिए गाइस, ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली आप लोगों से इंट्रोडक्शन मुझे इसलिए चाहिए था कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब लाइक मैंने काफी सारे प्रॉब्लम्स की मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लाइक मैं आपके लोन रीपे के लिए हेल्प करने वाली हूँ, लाइक मैं आपके बेबी इश्यूज है उनके लिए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उसके लिए हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। हम लोग घर में काफी सारी मतलब सुख शांति और धन सामग्री आने के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं हमेशा, तो उस हिसाब से क्या और इजी तरीके होंगे, और जिससे 9 दिन, मतलब देखिए सबसे बेस्ट थिंग है 9 थिंग्स, मतलब नंबर 9 की, देखिए नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और 9 दिन, 9 को आप डिवाइड भी कर लो तो 4.5, 4.5 9 होता है। 9 को आप मल्टीप्लाइड भी कर लो तो 18 होता है, 18 को वापस डिवाइड करो तो 9 होता है, 18 को प्लस भी करो तो 9 होता है। सो 9 इज द मैजिकल नंबर, और उस मैजिकल नंबर्स के हिसाब से कुछ थिंग्स मैंने न्यूमरोलॉजिकली ऐड की है, कुछ मैंने एस्ट्रोलॉजिकली ऐड की है, कुछ वास्तु के हिसाब से भी मैंने टिप्स यहाँ पे ऐड की है। तो सारा मसाला मिला के मैंने ये सारी रेमेडीज रेडी की है, और ये डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि काफी सारी जगह पे ऐसे होता है ना कि रेमेडीज जो मैं यूज करती हूँ ना, तो वो पहले मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, देन मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट करती हूँ, तो वही कोशिश मैंने यहाँ पे की है। सो पहली रेमेडीज रहेगी, एक बार आप रेमेडीज समझा लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको एक एक करके हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी।